हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक अनोखा जगह जाने वाली हूँ। मैं अभी रास्ता में हूँ। मैं जाजपुर डिस्ट्रिक्ट का मैं ऐसे ही एक मंदिर जा रहा हूँ। जब आप लोग वो टेंपल को जाएंगे तो आपको बहुत ही शांति लगेगा। अभी मंदिर नजदीक आ गया है। ये टेंपल का नाम है तारा देवी टेंपल। दोस्तों, ये जो मंदिर है ना, ऊपर बरुआ ग्राम पंचायत कुसुमपुर गांव में स्थापन हुआ है। ये मंदिर गांव का अंतिम छोर में है। पीछे आपको खेती देखने के लिए मिलेगा। ये देखिए दोस्तों, मंदिर का मेन एंट्रेंस है। हाँ फ्रेंड्स, अभी हम आगे बढ़ेंगे। मंदिर का एंट्रेंस में आप लोग देख सकते हैं, एक सफेद और एक काला घोड़ा है। ये मंदिर बहुत ही अनोखा है और आपको मैं दिखाऊंगी और बताऊंगी। आप ये वीडियो को पूरा देखना। आपको ये मंदिर का परिवेश देखकर तो पता चल गया ना कि मंदिर के अंदर जाने में बहुत ही शांति लगेगा आपको। ये देखिए दोस्तों, माँ तारा देवी उड़िया पर लिखा हुआ है। मंदिर का प्रीमिसेस में बहुत ही बड़ा ओपन स्पेस है। इधर मेला भी कभी कभी लगता है। देखिए दोस्तों, सामने जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर मंदिर का यज्ञ और पूजा अर्चना होता है। चलिए दोस्तों, यज्ञ मंदिर के पास जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर सफेद और काला घोड़ा मिलकर 9 घोड़े हैं। अभी हम मेन मंदिर के अंदर जाएंगे। मेन मंदिर का भी एंट्रेंस में एक बहुत बड़ा काला और सफेद घोड़ा है। चलिए दोस्तों, माँ तारा देवी को दर्शन करते हैं। माँ तारा देवी इधर ग्राम देवी है। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं, ये श्री गणेश जी है और यहाँ पर तारा देवी है और यहाँ पर कार्तिकेश्वर है। दोस्तों, ये ऊपर भाग देखिए कितना सुंदर कारुकाज्य हुआ है। अभी मैं माँ तारा देवी को माथा टेका। मुझे माता तारा देवी को दर्शन करके बहुत ही अच्छा लगा। ये देखिए दोस्तों, मंदिर का पुजारी कार्तिक देवरी है। ये मंदिर में ये पूजा अर्चना करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये दिया स्टैंड है। मुझे ये मंदिर और सुंदर चीज देख के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी मंदिर का पूजक मुझे चंदन लगा है और माता तारा देवी का पादुका पाया। दोस्तों, आपको पता है, ये मंदिर बकुड़ा वृक्ष के पास है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा कल्याण मंडप है। इधर शादी वगैरह होता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैरिज हॉल देखते हैं। यहाँ पर बहुत सारे मैरिज फंक्शन होते हैं। चलिए दोस्तों, मैरिज हॉल देखते हैं।
कल्याण मंडप जाजपुर का विधायक प्रणव प्रकाश दास 2019 अक्टूबर 2 को उद्घाटन किए। आप लोग देखिए ये मैरिज हॉल कितना बड़ा है। ये देखिए दोस्तों, ये कल्याण मंडप की रसोई घर है। यहाँ पर मैरिज, रिसेप्शन और रिंग सेरेमनी के लिए खाना बनाते हैं। चलिए देखते हैं मंदिर का वाल में क्या क्या हुआ है। देखिए दोस्तों, मंदिर का वाल में श्री कृष्ण जी का चित्रित हुआ है। उनके बचपन से लेकर महाभारत तक जो जो किए थे वो वाल में चित्रित हुआ है। ये सब सुंदर सा चित्रित आप लोग देखिए और आगे बढ़िए। देखिए दोस्तों, ये जंगल का सुंदर के बारे में चित्रित हुए हैं और उस साइड में पूरा गांव का परिवेश के बारे में चित्रित हुआ है। आप लोग देख के ये सब आनंद लीजिए। ये देखिए दोस्तों, रामायण का कथा चित्रित हुआ है। मेरे जेजे ने मुझे रामायण के बारे में सब कुछ समझाया। ये चित्र देख के मुझे बहुत ही खुशी लग रहा है। ये सब चित्र देख के आपको रामायण के बारे में पता चल जाएगा। प्रभु श्री राम वनवास जाके कैसे सीता माता को रावण से रक्षा किया, ये चित्र यहाँ पर बना हुआ है। आप लोग
पक्षी है सब देख सकते हैं। जल्दी पक्षी जल्दी। देखिए दोस्तों यहाँ पर श्री महालक्ष्मी है। ये देखिए दोस्तों सरस्वती देवी है। यहाँ पर जब भक्त आते हैं विश्राम लेते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भूल गए हैं तो निश्चय सब्सक्राइब कर देना। फ्रेंड्स ये जो आप घर देख रहे हैं ना ये माँ तारा देवी का नित्य घर है। यहाँ पर माँ तारा देवी का प्रसाद बनता है। मैं एक अनोखा बात आपको बोलने वाली हूँ। यहाँ पर मछली प्रसाद होता है और माँ तारा देवी को मछली प्रसाद देते हैं। अभी आप लोग देख रहे हैं मंदिर का पुजारी आपको मछली दिखा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स ये झूठ बात नहीं था ये सच था। मंदिर में मछली क्यों प्रसाद होता है अगर आपको पता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। चलिए दोस्तों मैं आपसे विदा लेती हूँ। ये माँ तारा देवी आपको देख के कैसे लगा दोस्तों? आप लोग इधर जरूर आना और मंदिर